इंसान हमेशा ना ठोकरे खा के ही सुधरता है, और मुझे भी बहुत सारी ठोकरी लगी है क्योंकि मुझे इतनी समझ भी नहीं थी, ना कोई हमारे को इतना अच्छा तरह समझाने वाला था लाइफ में, और इतनी पर मुझे जो समझ आई अपने दिमाग से, अपने उससे ही सब कुछ मेरी लाइफ में सीखा है कि दुनिया किस रंग की है। और अब मैं चलती हूँ काम करने के लिए। सबसे पहले तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अच्छा खाना पीना चाहिए, और इसी से हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हम अपने परिवार की भी देखभाल फिर ही कर पाएंगे। खासकर तो जो हाउस वाइफ होती है वो अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती है, पर मैं ये बोलती अपने लिए टाइम जरूरी निकालनी चाहिए, और ज़रूर से अपने लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएगी। और सबसे पहले तो अपने आप पेट भर कर खाना खाइए, सुबह से उठ के जो आपका मन करता है, जैसे मान लो आपका मन नहीं खाना खाने का तो आप चटनी के साथ खाना खाएं, जो भी आपका मन करता है आप खाना जरूर खाएं, या ऐसे नहीं कि आप भूखे पेट लगे रहते और फिर 11 बजे नाश्ता करने। मैं भी ऐसी करती थी। मैं आपके साथ धीरे धीरे सारी आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगी। और अपने आप को सबसे पहले ही नाश्ता वगैरह जरूर करना चाहिए, और अपने आप को स्वस्थ रखिए। और मेरे अंदर कोई बीमारियां क्यों आई है इसी यही कारण था, पर यह है कि मुझे तो समझाने वाला कोई नहीं था, फिर भी मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी, आपकी लाइफ की, हेल्थ की लाइफ, अपनी हाउस वाइफ की लाइफ, अपनी जॉब वाली लाइफ, सब के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल में ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज मैं शिमला मिर्च आलू की रेसिपी ऐसी बनाऊंगी जो आप अपने घर में बनाएंगे और खाएंगे तो उंगलियां भी आप चाटते रह जाएंगे। और आप प्लीज़ ऐसी सब्ज़ी ज़रूर बनाना। और मैं ये यहाँ पे अपने चटाई पे बैठ के यहाँ काट रही हूँ क्योंकि ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ किचन में, और ज़्यादातर मेरा काम यहीं होता रहता है। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए मैंने प्याज आलू ले लिए हैं, और जो रेसिपी मैं साथ तैयार कर रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाएं और फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये सब्जी झटपट से बन जाएगी। इसको आप बारीक बारीक करके ऐसे काट लीजिए, और जो ये साइड वाला है बीज ये मत डालना, मैं ये नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ इसकी जो ऐसे वाली सब्जी होती है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। फ्रेंड्स, आपके पास अगर प्याज ऐसे वाले है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ऐसे ही कटिंग कर रही हूँ, और ऐसे आप निकाल सकते हैं, अलग से कर सकते हैं, पर मेरे पास छोटे प्याज है, ये पहाड़ी प्याज है तो मैं ऐसे कटिंग कर रही हूँ। और वैसे तो ये छिलक होते हैं, सबको अलग अलग करने होते हैं ये वाले, और मैं कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल कम ऑयल डालना है इसमें, और ऐसे ही हल्के हल्के सौटे करने के लिए, रोस्ट करने के लिए इसको, बस इसको जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अब शिमला मिर्च आलू और प्याज हल्के से रोस्ट करने के लिए डालेंगे, सौटे करने के लिए। सारी सब्जियां इसमें डाल दी है और अब इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है।
जब तक ये ऐसे ब्राउन ना हो जाए फिर तब तक आप उसको सॉफ्ट करते रहिए। फिर इस तक थोड़ा कच्चा पन चला जाए। अब मैंने ये प्लेट में निकाल दी है सब्जी हल्का ब्राउन करके, और अब मैं तड़के के लिए तैयारी करती हूँ। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल, मैं ज़्यादातर सरसों ऑयल ही यूज करती हूँ, जिसके लिए मैंने एक कड़छी ऑयल ले लिए अपने हिसाब से। सबसे पहले मैं डाल दूंगी अब इसमें लहसुन और धनिया जो पीसा हुआ मैंने वो। और अब इसमें मेथी और ये राई है ये डाल दिया है। अब डाल दूंगी मैं इसमें प्याज, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। ये डाल दूंगी हल्दी और ये गया इसमें धनिया और ये गया इसमें बड़ी मिर्च और ये गया इसमें नमक और ये डाला मैंने इसमें किचन किंग मसाला। जब मसाले पक जाते हैं फिर आप इसमें डालिए मीठी सौंफ मसाले पकने के ऊपर, क्योंकि ये फिर अगर हम ऐसे तले डालेंगे तो ये जल जाएगी। मीठी सौंफ भी डालें और फिर डालें आप इसमें टमाटर। अब इसको हम पकने देते हैं टमाटर को। जब तक ये पानी सूख नहीं जाता है इसको ऐसे ही अब सूखने देते हैं, बिल्कुल पकने देते हैं इसको मसाले को और टमाटर की प्यूरी को पकने देते हैं अब अच्छी तरह से। जब तक इसमें चारों तरफ को ऑयल ना छोड़ दे तब तक इसको पकने देते हैं अच्छी तरह, और इसमें जब तक पानी नहीं सूख जाता। फिर आगे आपको बताऊंगी मैं क्या करना है। अब इसके मसाले पक चुके हैं तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल ही ठंडा होने के लिए रख देंगे, बिल्कुल जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। अब ये ठंडा हो चुका है और अब इसको दोबारा से हम गैस ऑन करेंगे और अब इसमें हम 1 कटोरी दही की डालेंगे। इसको सिम पे कर देना है। बस इसको ये फटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिम पे रखिए आप ऐसे।
इसको ऐसे हिलाते रहेंगे तो ये फटेगा नहीं दही मसाला। ऐसे बिल्कुल ऐसे घुमाते रहें आप जब तक ये पक नहीं जाता। जब इसका थोड़ा पानी कम हो जाए फिर आप इसमें सब्जी डाल दीजिए। और बिना ढक्कन से इसको सिम पर पकने दें। इसमें पानी सूख चुका है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको हल्का हल्का फ्राई भी किया था तो ये पक चुकी है। और अब इसमें सबसे लास्ट में आप डालेंगे मैगी मसाला। जब ये सब्जी पक जाएगी तब आप ये मैगी मसाला इसमें डालें। गाइस ये बनाई थी मैंने आज सब्जी शिमला मिर्च आलू और प्याज डाल के, ये है चटनी, ये चपाती है और ये खीरा और ये पानी। आप सभी आ जाइए और शिमला मिर्च और चटनी और चपाती और खीरा का टेस्ट कीजिए। और हमारा लंच डिनर यही हो रहा है, अभी 10 बजे बज चुके हैं, शायद 9:45 हुए हैं। और लंच में अभी पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अभी काम भी बहुत है। और सबसे पहले तो आपके लिए मैं देती हूँ बड़े प्यार से, आप टेस्ट करके मुझे बताइए कैसा है, मैं भी बताती हूँ अभी ये आपके लिए। जो मैंने इसमें सौंफ डाली थी ना वो इसलिए डाली थी, जब मैंने दही डाला था तो वो दही खट्टी थी तो उसके लिए मैंने ये डाली थी सौंफ, ताकि उसमें खट्टापन ना आए सब्जी में और अच्छे से टेस्टी बने, इसलिए मैंने वो उसमें सौंफ ज़रूर डाली थी। ज़्यादा खट्टी दही होएगी ना फिर खट्टी सब्जी बनेगी। लिया बेटा अपनी सब्जी मेरी। हाँ ये वाली, हाँ ये तो अभी खोली दूसरी वाली, हाँ ये वाली बना दे। दो चपाती बड़ी मुश्किल से खाई मैंने सब्जी, मैंने आदि राजीव को दे दी थी पहले ही, और जैसे पेट में खाना खा जाता है ना वैसे ही दर्द शुरू हो जाती है। और अब मेरे को ना बहुत दर्द होने लगी पेट में, और रात को भी पूरी रात में सोई 1-1.5 बजे मेरे को थोड़ी हल्की नींद पड़ी होगी, फिर अब 4 बजे फिर से मेरे जाग आँख खुल गई थी, फिर दोबारा से मेरे को जबरदस्ती सोई मैं दोबारा से, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा आग जैसी लग रही थी मेरे पाँव में। फिर मैं उठी, फिर मैं गई बाथरूम में, गई पानी में अपना पाँव धो के फिर दोबारा से आई, और बहुत जलन हुई रात को पाँव में, पता नहीं क्यों, और इतनी घबराहट सी हुई, इतना मतलब दिल कमज़ोर सा हो जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स
हम जा रहे हैं, मैं और राजीव जा रहे हैं डिपो का मतलब आटा ले आने के लिए। आटा भी नहीं था हमारे पास, बस आज के दिन का आटा था जो हमने अभी बना दी चपाती, और फिर अभी लेके आते हैं आटा। वो भी पता नहीं वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तारीख बहुत 23-24 तारीख शायद ऐसी हो चुकी है, तारीख भी याद नहीं रहती मुझे, और 24 तारीख हो चुकी है। पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे। अगर हम वहाँ से कोई सामान नहीं लाते ना, अपने डिपो का राशन होता है, सोसाइटी वाला राशन होता है, वो नहीं अगर नहीं लाएंगे ना, तो हमारा वहाँ पे राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, तो वहाँ हम हमारे को लेना ही पड़ेगा। और लेके आती हूँ मैं आटा, मैं और राजीव जा रहे हैं। हर टाइम हंसी आती रहती है।